मुंबई शहरात पोलिसांचा वचक आहे की नाही अशी शंका यावी अशी आकडेवारी आरटीआय मधून समोर आली आहे. गेल्या 5 वर्षात मुंबईत 277 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्तेची चोरी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राची राजधानी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरावर मुंबई पोलिसांची करडी नजर खरंच आहे का? सीसीटीव्ही कॅमेरे शहरात जागोजागी लावले खरे, पण त्याचा काही उपयोग होतोय का? मुंबईत घरफोड्या तर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. गेल्या 5 वर्षात मुंबईत 14,883 घरफोड्या झाल्या. तब्बल 277 कोटी रुपये किमतीची चोरी या घरफोड्यांमध्ये झाली. मात्र केवळ 17.5% मुद्देमाल परत मिळाला. मैंने मुंबई पुलिस को एक आरटीआई फाइल किया था कि 2013 से लेके अब तक जो है मुंबई पुलिस में कितनी हाउस ब्रेकिंग की घटनाएं हुई है, उसमें जो चोरी हुए मालमत्ता या कैश है जो कितने करोड़ का चोरी हुआ है और कितना जो है रिकवरी हुआ है. तो उन्होंने जो जवाब दिया टोटल अब तक जो है 14,883 जो है मुंबई सिटी में घरफोड़ी की घटनाएं हुई है, जिसमें जो है कुल मालमत्ता जो चोरी हुआ है 277 करोड़ का चोरी हुआ है और मुंबई पुलिस ने जो रिकवर्ड किया है अमाउंट या प्रॉपर्टी जो है सिर्फ 48 करोड़ का ही किया हुआ है. घरफोडीच्या घटना रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी काय उपाय योजले? नागरिकांची मालमत्ता सुरक्षित नसेल तर नागरिकांनी पोलिसांवर विश्वास ठेवावा कशासाठी? असा प्रश्न कुणी विचारला तर आश्चर्य वाटायला नको. सचिन गाडसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई.